दोस्तों, आज की लोक कथा का शीर्षक है आर्किड के फूल। आर्किड और आर्किड के जैसे सुंदर फूलों के संबंध में लोगों में अनेक प्रकार के विश्वास और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहते हैं किसी समय एक बड़ा नेक और ईमानदार राजा राज्य करता था। उसके राज्य में ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हरे भरे बगीचे, कल कल करती नदियां और सुंदर सुंदर पशु पक्षी थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, अतः उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा का परिवार बहुत छोटा था, एक रानी और एक राजकुमारी। राजा के कोई बेटा नहीं था, अतः रानी और राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि ने राजा को सुझाव दिया कि वो दूसरा विवाह कर ले, किंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा रानी को बहुत प्यार करता था और किसी भी कीमत पर दूसरा विवाह नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। राजा का जीवन बहुत सुखी था। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी। राजकुमारी भी अपनी मां के समान सहृदय कोमल और अद्वितीय सुंदरी थी। उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा आसपास के राज्यों में होने लगी थी। राजा के पास आसपास के राजाओं ने अपने राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव भेजना आरंभ कर दिया, लेकिन राजकुमारी अभी विवाह की इच्छुक नहीं थी, अतः राजा ने किसी भी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी का महल बहुत शानदार था। उसके महल के पीछे एक हरा भरा बगीचा भी था। इस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, जिन पर बड़े स्वादिष्ट फल लगते थे। राजकुमारी प्रतिदिन प्रातः काल अपनी सखियों के साथ महल के बगीचे में आ जाती थी और तेज धूप निकलने के पहले ये यहीं रहती थी। तेज धूप होते ही वो महल में आ जाती थी। बगीचे में टहलना राजकुमारी का सबसे प्रिय शौक था। राजकुमारी के महल के बगीचे में एक बावड़ी थी। इसका पानी बहुत साफ और स्वादिष्ट था। महल के लोग इसी बावड़ी का पानी पीते थे। बगीचे में टहलते टहलते जब राजकुमारी थक जाती तो इसी बावड़ी के मुंडेर पर बैठकर आराम करती थी। एक दिन प्रातः काल का समय था। राजकुमारी हमेशा की तरह महल के पीछे बगीचे में टहल रही थी। उसके साथ उसकी दो सखियां भी थीं। अचानक राजकुमारी को लगा कि कहीं आसपास बहुत दुर्गंध है। उसने अपनी सखियों से दुर्गंध आने की बात कही और बावड़ी की मुंडेर पर आकर बैठ गई। मुंडेर पर बैठते ही राजकुमारी की तबीयत और खराब हो गई और वो अचेत हो गई। राजकुमारी के अचेत होते ही दोनों सखियां घबरा गईं। उन्होंने किसी तरह राजकुमारी को संभाला और उसे उठाकर महल के भीतर ले आईं। राजकुमारी की एक सेविका ने राजकुमारी के अचेत होने की खबर राजा को दी। राजा उस समय दरबार में था। उसे जैसे ही राजकुमारी के अचेत होने का समाचार मिला, वो राजवैद्य को लेकर राजकुमारी के महल में आ गया। राजवैद्य ने राजकुमारी का परीक्षण किया। उसकी समझ में बस इतना आया कि राजकुमारी की बेहोशी का कारण कोई दुर्गंध है। राजकुमारी की सखियों ने भी राजा के सामने राजवैद्य को बताया कि राजकुमारी ने अचेत होने से पहले दुर्गंध की शिकायत की थी। राजा ने ये बात सुनते ही अपने कई सैनिकों को बुलाया और उन्हें दुर्गंध का कारण मालूम करने के लिए राजकुमारी के बगीचे में भेजा। सैनिकों ने बगीचे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अचानक एक सैनिक की दृष्टि मरे हुए एक मोटे तगड़े अधकाये चूहे पर पड़ी। इस चूहे से हल्की हल्की दुर्गंध भी आ रही थी। संभवतः रात को बिल्ली अथवा कोई पक्षी चूहा ले आया होगा और खाकर राजकुमारी के बगीचे में ही छोड़ दिया होगा। सेवकों ने तुरंत जाकर राजा को खबर दी। राजा ने शहर के बाहर चूहे को जलाकर जमीन में गाड़ने का हुक्म दिया और राजकुमारी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगे। दोपहर हो चुकी थी
और राजकुमारी अभी तक अजेब थी। धीरे धीरे एक सप्ताह हो गया, राजकुमारी को अभी तक होश नहीं आया। राजवैद्य उसे तरह तरह की औषधियां दे रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग बहुत दुखी थे। वो राजकुमारी के शीघ्र होश में आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। इसी तरह एक सप्ताह और बीत गया, लेकिन राजकुमारी को होश नहीं आया। इस मध्य राजवैद्य ने अपने राज्य के अन्य वैद्यों तथा पड़ोसी राज्यों के वैद्यों को भी बुलाकर उनसे परामर्श किया और राजकुमारी को बहुत प्रभावशाली औषधियां दी, लेकिन सभी औषधियां बेअसर रहीं। राजा और रानी 2 सप्ताह से राजकुमारी के पास ही बैठे हुए थे। उनसे राजकुमारी की हालत देखी नहीं जा रही थी। राजकुमारी बिना कुछ खाए पिए 2 सप्ताह से अचेत पड़ी थी। राजवैद्य और उनके साथी वैद्यों की औषधियों को बेअसर होता देख राजा रानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। इसी तरह 1 महीना बीत गया। राजकुमारी अभी भी अचेत थी। उनका सुंदर गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के चारों ओर कालिमा छा गई थी। राजा, रानी, राजवैद्य और उनके सभी वैद्य अब हिम्मत हार चुके थे। अब सभी को केवल ईश्वर का सहारा था। एक विशाल कक्ष के मध्य बड़े पलंग पर राजकुमारी निर्जीव सी पड़ी थी। उनके पास रानी और राजा बैठे थे। राजकुमारी से कुछ दूर पर खड़े राजवैद्य, महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित आदि आपस में राजकुमारी की बीमारी के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक महामंत्री के मस्तिष्क में एक विचार आया। महामंत्री तुरंत अपने स्थान से उठा और राजा के पास पहुंचकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि वो अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में ये डुग्गी पिटवा दे कि जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे सोने की 1,00,000 मोहरे पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा को महामंत्री का ये सुझाव अच्छा लगा। उसने इन सुझावों को और भी आकर्षक बनाते हुए महामंत्री से कहा कि वो ये डुग्गी पिटवा दे कि जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य पुरस्कार में दिया जाएगा। महामंत्री ने राजा की आज्ञा पाकर अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में ये डुग्गी पिटवा दी और पुरस्कार में आधे राज्य की घोषणा भी कर दी। अगले दिन से ही एक से बढ़कर एक अनुभवी वैद्य आने लगे। व्याधि राज्य के लालच में अच्छी से अच्छी औषधि राजकुमारी को देते, किंतु कोई लाभ ना होता। अंत में वह वापस लौट जाते। ये क्रम 15 दिन तक चलता रहा। एक लंबा समय बीत चुका था। राजकुमारी अभी भी अचेत थी। उसकी स्थिति में अंश मात्र भी सुधार नहीं हुआ था। राजा, रानी, महामंत्री, सेनापति, राजवैद्य और राजपुरोहित सभी निराश हो चुके थे। अब राजकुमारी के ठीक होने की कोई आशा नहीं रह गई। प्रातःकाल का समय था। अचानक एक सेवक ने राजकुमारी के महल में प्रवेश किया और बताया कि एक परदेशी युवक आया है। उसका दावा है कि वो राजकुमारी को ठीक कर देगा। राजा को आशा की एक नई किरण दिखाई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वो पूरे सम्मान के साथ नवयुवक को ले आए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और नवयुवक को महल के भीतर ले आए। राजा ने नवयुवक को देखा तो देखता ही रह गया। नवयुवक 20-22 वर्ष की आयु का था। वे राजकुमारों के समान सौम्य और सुंदर था। नवयुवक के चेहरे पर अजीब सा आकर्षण और आत्मविश्वास था। राजा के साथ ही राजा के आसपास के लोग भी नवयुवक को बड़े ध्यान से देख रहे थे। नवयुवक ने सर्वप्रथम राजा और रानी का अभिवादन किया और इसके बाद उनसे पूरी बात बताने को कहा। राजा के स्थान पर राजकुमारी की सहेली ने नवयुवक को राजकुमारी के महल के बगीचे में घूमने और दुर्गंध आने से लेकर अचेत होने तक की पूरी कहानी सुना दी। नवयुवक पूरी बात ध्यान से सुनता रहा। इसके बाद उसने राजकुमारी को बगीचे में ले चलने के लिए कहा। राजा ने नवयुवक से कुछ भी नहीं कहा। उसने राजकुमारी की सेविकाओं को आदेश दिया कि बगीचे में राजकुमारी के लिए आरामदायक बिस्तर लगाया जाए और फिर राजकुमारी को बगीचे में पहुंचाया जाए।
राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और बगीचे में शानदार बिस्तर लगा दिया गया। इसके बाद चार सेविकाओं ने राजकुमारी को उठाकर बगीचे में पहुंचा दिया। नवयुवक ने राजकुमारी का बिस्तर एक वृक्ष के नीचे लगवाया था। बसंत के दिन थे, प्रातःकाल ही हल्की हल्की धूप अच्छी लग रही थी। राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे लगे बिस्तर पर अचेत पड़ी थी। उनके चारों ओर राजा रानी और अन्य लोग खड़े थे। सभी की दृष्टि नव युवक पर थी। अचानक युवक ने दोनों आंखें बंद करके अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कुछ बुदबुदाने लगा। संभवतः वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। इसके बाद उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक बांसुरी निकाली और बजाने लगा। बांसुरी की आवाज में दैवीय आनंद था। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि सभी खो गए। अचानक एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी जिस वृक्ष के नीचे लेटी थी वो सुगंधित फूलों से भर उठा और उसके फूल राजकुमारी पर गिरने लगे। अब नवयुवक बगीचे में घूम घूम कर बांसुरी बजाने लगा। वो बांसुरी बजाते हुए जिस वृक्ष के नीचे से गुजरता वो वृक्ष फूलों से लद जाता। इसी समय राजकुमारी को होश आ गया। वो उठकर बैठ गई और बगीचे में चारों ओर फैले फूलों को आश्चर्य से देखने लगी। इससे पहले राजकुमारी अथवा किसी ने भी ऐसे फूल नहीं देखे थे। राजा रानी और राज्य के सभी लोग खुश हो गए। वे राजकुमारी का हालचाल पूछने लगे और नवयुवक को कुछ देर के लिए भूल से गए। जब उन्हें नवयुवक की याद आई तो वो जा चुका था। राजा और उसके सेवकों ने नवयुवक को ढूंढने का बहुत प्रयास किया किंतु वो नहीं मिला। अगले दिन सभी ने देखा कि राज्य के सारे वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं और उनकी सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। कहते हैं कि ये नवयुवक प्रतिवर्ष बसंत में बांसुरी बजाता हुआ निकलता है और उसकी बांसुरी की आवाज से सभी वृक्ष फूलों से लग जाते हैं और चारों ओर मोहक सुंदर सुगंध फैल जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की लोक कथा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई और रोचक कहानी में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।